कैसे हो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं MI का बियर्ड ट्रिमर। 1C बियर्ड ट्रिमर है जो कि 1000 रुपये के नीचे आता है, जिसकी बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही में करेंगे इसका रिव्यू। सबसे पहले तो ये रहा ट्रिमर, इसे साइड में कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है। दोस्तों इसके साथ आता है ये एक MI का पाउच, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है इसकी। इसके बाद इसके साथ आती है USB केबल, इसके साथ अनफॉर्चुनेटली चार्जर नहीं आता है। तो 2A एम्पियर इसका इनपुट है, तो आप इसे आपके USB लैपटॉप पे कहीं पे या फिर PC पर कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल का चार्जर होगा आपका तो उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आता है ये ब्रश जो कि इसकी क्लीनिंग के लिए है। चलिए दोस्तों अब ये सब हटाकर सीधा पहुंचते हैं अपने ट्रिमर की तरफ। ट्रिमर को देखते ही हाथ में मुझे बहुत ही अच्छा ग्रिप लग रहा है इसका, और इसका डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट डिज़ाइन है, और बाकी जो ट्रिमर आते हैं जनरली उनके टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खोल सकते हैं, यहाँ पर इसका USB जाता है जहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि इसे हमेशा ड्राई रखना है, क्योंकि अगर गीला होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, करंट वगैरह आ सकता है। इसका ये कोम्ब है, ये कोम्ब ऐसे खींच कर निकलता भी है। यहाँ पर नॉब है, एक ही हाथ से ये नॉब घूमता भी है, आप देख सकते हैं। इसमें करीब 20 एडजस्टमेंट्स है, 1.5 से लेके 10.5 तक, ऐसे 20 एडजस्टमेंट्स है। इसका ब्लेड देख सकते हैं, काफ़ी शार्प ब्लेड्स है इसके। आपको इसके, और ये खुलता भी है पीछे से, देखते हैं इसे खुल गया देखो दोस्तों, और यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं। ये दब ऑन किया मैंने, ये घूमने लग गया, और इसे लगाना भी काफी आसान है। और ये लग गया है, और बात करते हैं यहाँ पर, ये दबाने पर यहाँ पर तीन LEDs दिखते हैं। तीन LEDs का मतलब है कि ये फुल्ली चार्ज है। दो LEDs है तो इसका मतलब है कि ये 30-50% तक इसकी बैटरी है, और सिर्फ एक LED है तो उससे कम है, और ब्लिंक हो रहा होगा तो उसका मतलब है कि इसकी बैटरी काफ़ी डाउन हो गई है। दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए 120 मिनट लगते हैं, और ये 60 मिनट्स तक का रन टाइम देता है। इसका नॉब काफ़ी एडजस्टेबल है, काफ़ी मस्त है इसका। और ये कोम्ब ऊपर नीचे होता है आपके बियर्ड के एडजस्टमेंट्स के लिए, आप देख सकते हैं ये घुमाने पर इसका मैक्स जाता है 10.5 यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसका आपको डेमो दिखाता हूँ। इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि कैसा आ रहा है, काफ़ी साइलेंट है ये वैसे।